श्यामपुर बस्ती से थापर नगर रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर लगभग 200 फीट के दायरे में दरार पड़ गई थी। वहीं मुख्य मार्ग लगभग 3 फीट नीचे धस गया था। इसके अलावा 27 अगस्त 2021 को MPL की रेलवे लाइन एवं आसपास के लगभग 100 फीट के दायरे में जमीन धस गई थी। लगातार हो रहे भूधसान की घटना से आसपास के ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। ऐसा लगा प्रातः मंगलवार को सुबह अचानक तेज आवाज आई, लोग करीब पहुंचे तो देखा कि थापर नगर रेलवे स्टेशन से MPL जाने के लिए बनाए गए रेलवे ट्रैक के नीचे की लगभग 20 फीट के दायरे में जमीन धस गई। साथ ही लगभग 50 फीट के दायरे में जमीन में दरारें पड़ी हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जब जब भूधसान होता है ECL प्रबंधक ऊपर ऊपर भराई कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर सही ढंग से इसकी भराई नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूधसान वाले स्थान पर प्राइवेट कंपनियों ने कोयले का उत्खनन कराया था, इस वजह से भूधसान हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूधसान वाले स्थान पर प्राइवेट कंपनियों ने कोयले का उत्खनन कराया था, इस वजह से भूधसान हो रहा है। बाद में कोयलरी के सरकारीकरण के बाद भी ECL प्रबंधन ने कुछ दिनों तक कोयले का उत्खनन कराया था। उसके बाद भी जैसे कि अहले सुबह जैसे कि फिर भंस गया। अब फिर देखिए मैनेजमेंट क्या करता है और रेल प्रशासन MPL क्या करता है, इसमें तो देख रेख के अभाव के चलते ये सब कांड होते जा रहा है। ये तो जवाने से भीतर ही से खाली है। इसको जैसे कि पहले जैसे कि इसको चेक नहीं किया गया कि अंदर में जैसे कि खाली है कि भरा हुआ है। अब बिना चेक किए हुए ही जैसे कि रेल लाइन बना दिया गया है। इसमें तो सरासर MPL का दोष है कि जो बिना जांच किए बिना अंदर में देखे हुए इस तरह का जैसे कि रेल लाइन बना दिया, तो ये तो भूधसान होते ही रहेगा और भी होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं होगा, और भी होगा। बोलिए तो गनीमत है कि जैसे कि MPL का ही रेल लाइन धसा और आगे धसता ना तो हावड़ा से दिल्ली जाने वाली जो रेल लाइन है वो इसके चपेट में आ जाता और बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता, समझ गए ना।